Hey guys, welcome back to the channel. Dude, आज का जो वीडियो है उसका उसके ऊपर इतने सारे रिक्वेस्ट आए थे कि बकाडी ब्लैक रम लेके आओ. भाई मैंने इससे पहले इस वीडियो से पहले कभी भी जिंदगी में कभी बकाडी ब्लैक रम ट्राई भी नहीं किया है, तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है और आज मैं उसका एक पूरा बोतल पीने वाला हूँ. तो भाई ये तो काफ़ी खतरनाक होने वाला है. लेकिन लास्ट टाइम जैसा हम लोग नीट नहीं पियेंगे, आज हमारे पास पानी और थम्सअप है, तो हम लोग पानी और थम्सअप को थोड़ा हेल्प लेंगे. तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना तो बनता ही बॉस. और उसी के साथ वीडियो चालू करते हैं. लेट्स गो एंड सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. लेट्स गो. सो ये रहा हमारा बकाडी ब्लैक रम. तो इसका जो प्राइस है वेस्ट बंगाल में ये 180 ml का है, 180 rupees. यस, 180 ml, 180 rupees. यहाँ पे पिक्चर्स आगे हुए क्लियर वाला जो तुम देख सकते हो. तो इसका सील ओपन करते हैं और इसे ट्राई करते हैं. लेट्स गो. तो जैसे कि देख सकते हो भाई सील है, तो पहले इसका सील ओपन कर लेते हैं. ये कांच का बोतल है पूरा, मुझे लगा प्लास्टिक का मिलेगा क्योंकि जो ब्लैक रम मैंने पिया था ओल्ड मॉन्क का, वो प्लास्टिक में दिया था एक बार. कहीं कहीं वो कांच का बोतल में देता है, लेकिन यार ये रहा. ओ डूड, स्ट्रॉन्ग है भाई. लेकिन विंटर सीजन जाने वाला है भाई, तो रम का सीजन भी जा रहा है. अब कोई कोई है जो हर मतलब 12 महीने 12 months रम पीता है, लेकिन मैं उतना प्रेफर नहीं करता, मैं विंटर सीजन में ज़्यादा प्रेफर करता हूँ. तो ये है, पहले ट्राई करके देखते हैं कि कैसा है. काफ़ी डार्क है भाई. मैंने कभी बकाडी का वाइट तो बहुत बार ट्राई किया है और वीडियो भी बनाया है, हम लोग ने वीडियो भी बनाया है बकाडी के ऊपर जो कि वाइट आता है. मैंने इससे पहले कभी ट्राई नहीं किया भाई, ये फर्स्ट टाइम है. चीयर्स तुम लोग के नाम. सच कहूँ तो बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा, पता है, मतलब काफी क्वालिटी है यार. ओल्ड मॉन्क का जो 180 ml का बोतल आता है वो कुछ 150 के अराउंड है वेस्ट बंगाल में, 150 rupees. तो उससे हार्डली 30 rupees एक्स्ट्रा ले रहा है, लेकिन ये स्मूथ है, काफ़ी स्मूथ है यार. 42.8% अल्कोहल है, 75% प्रूफ, काफ़ी अच्छा है. तो इसे ख़त्म करते हैं. लेकिन भाई ओ भाई मेरा गला गर्म हो गया, पता है मेरे को थोड़ा कॉफिंग हो रहा था कुछ दिन से, तो गला बैठ गया था. इसको पीने के बाद भाई गला खुल गया, लग रहा है ठंडा हो गया पूरा गला एकदम. एक होता है ना कि गर्म होने के बाद ठंडा, वो हो रहा है यार, मज़ा आ रहा है. लेकिन ये अच्छा है, लेकिन पूरा बोतल पीने के बाद मुझे नहीं लगता क्या होने वाला है. चीयर्स. तो भाई आज हम लोग थोड़ा धीरे धीरे पियेंगे और इसका नशा का मज़ा लेंगे. मुझे अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, लेकिन अच्छा सा मैं बोलूँगा कि एक अच्छा सा ना वाइब आ रहा है, एक हल्का, लेकिन देखते हैं मज़ा आने वाला है भाई. मज़ा तो आ रहा है, तुम लोग बस लाइक और शेयर मतलब थोड़ा सपोर्ट बनाओ यार. हम लोग बहुत सामने आ चुके हैं 1000 के, मतलब 700 क्रॉस हो चुका है हम लोग का सब्सक्राइबर्स, तो जस्ट 300 कर दो. तो हम लोग नेक्स्ट वाला जो पैक है यार थम्सअप के साथ पियेंगे, देखेंगे कैसा लगता है थम्सअप के साथ. भाई जब मैं कॉलेज में था ना, तो मेरे मैक्सिमम दोस्त सब जब भी रम लाते थे थम्सअप लाते थे, मुझे उतना पसंद नहीं था. मैंने कभी बकाडी ब्लैक को थम्सअप के साथ कभी पिया नहीं है, तो ये फर्स्ट टाइम है. मैंने ओल्ड मॉन्क पिया था जो कि मुझे बहुत गंदा लगा था. ये कहता है भाई पिच ब्लैक हो चुका है, पिच ब्लैक. नॉट बैड एट ऑल भाई, काफ़ी अच्छा लग रहा है जेन्युइनली यार. बकाडी वाइट तो है ही अच्छा, बहुत अच्छा है और मुझे जेन्युइनली बहुत पसंद है. ओल्ड मॉन्क से तो मुझे बकाडी बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मुझे लगा नहीं था यार बकाडी ब्लैक इतना ज़्यादा अच्छा होगा. दिस इज लवली. ब्रिंग ऑन द म्यूजिक. भाई सच बोलूँ तो अब थोड़ा थोड़ा जो है ना नशा चढ़ रहा है. Oh, हाँ yeah. भाई
अब थोड़ा थोड़ा ऐसा हो रहा है क्योंकि रम है तो, लेकिन अभी तक हम लोग ने हाफ बोतल भी ख़त्म नहीं किया है। तो भाई क्या होगा, नेक्स्ट वाला पैक ना पानी के साथ बनाते हैं, ठंडा पानी है, मेरे पास आइस नहीं है क्योंकि विंटर सीजन चल रहा था तो मम्मी ने सब आइस निकाल के फेंक दिया। तो यार क्योंकि मम्मी को पता है अगर आइस रहेगा तो मैं कोल्ड कॉफ़ी पीऊँगा, तो इसलिए मम्मी को पसंद नहीं है कि गला बैठ जाता है फिर भी पीता है, तो हटा दिया। और मेरे एक भाई ने, मेरे एक सब्सक्राइबर ने भाई पूछा था कि ये रिंग्स काफ़ी अच्छा है कहाँ से लिए, तो भाई ये मैंने बिग बाज़ार से लिया है, दुर्गापुर में जो बिग बाज़ार अभी स्मार्ट बाज़ार कहते हैं उसको, तो उसके बाहर एक दुकान है, एक छोटा सा ज्वेलरी शॉप है, तो वहाँ से मैंने लिया था। ये बहुत कम दाम में सब 90 रुपीज़, ये तो शायद 70 रुपीज़ का मिला था, ये 90, ये भी 90, बहुत कम प्राइस में। यही अगर तुम खरीदने जाओगे फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन में कहीं पे ऑनलाइन पे भी, तो वो लोग 200 रुपये कहता है, जो कि बहुत महंगा पड़ता है भाई। मैं उसके ऊपर भी ब्लॉग बनाऊंगा, मैं इस रिंग के बारे में उस दुकान पे जाऊंगा, अगर तुम लोग कहोगे तो कमेंट सेक्शन में बताना। तो ये हमारा थर्ड पैक हो रहा है शायद, हाँ थर्ड पैक, लेट्स गो। वाटर भाई उस दिन की तरह फिर से गाल हाथ पर लाल हो रहा है, लग रहा है ना, थोड़ा बहुत लग रहा है भाई, मेरे को तो लग रहा है, मतलब गर्म हो रहा है कान वान, क्योंकि भाई इतना हम लोग कभी नहीं पीते थे, मैं तो पीता ही नहीं था, मैं हमेशा ऐसे ही पैक बनाता था सोडा के साथ, इसके साथ ट्राई करता था, इतना सा बनाता था और छोड़ देता था। भाई तुम लोग के कहने के लिए हमने एक पूरा बोतल वोडका ख़त्म किया, फिर आज एक रम ख़त्म कर रहे हैं। सब्सक्राइब करना भाई, सब्सक्राइब तो करना बनता है बॉस। चीयर्स। ओह लवली लवली। लेकिन भाई अब चढ़ रहा है, अब भयंकर चढ़ रहा है। ओह या तो भाई मेरे एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि भाई विस्की के साथ सिगरेट पियो और ज़्यादा मज़ा आएगा, तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया क्योंकि मैं सिगरेट पीता नहीं हूँ, लेकिन आज हमारे पास विस्की तो नहीं है लेकिन ब्लैक रम, ब्लैक पगाड़ी रम, लेट्स गो, लेट्स गो मैन। ये रहा हमारा ब्लैक पगाड़ी रम, पानी के साथ ही पीते हैं, ज़्यादा अच्छा लगा पता है, मैं सच कहूँगा तो पानी के साथ मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा। तो ये रहा हमारा ब्लैक पगाड़ी रम और ये है हमारा कल का बचा हुआ ब्लैक, यार ब्लैक ब्लैक। लेट्स गो, ओह मैन क्या लग रहा है यार, ओह हो। मैं सच कहूँ ना, सिगरेट पीने के बाद नशा थोड़ा कम गया, सही में मेरे को अच्छा फीलिंग आ रहा है, अभी जो गाल वाल गर्म हो रहा था वो नहीं हो रहा, मेरे को काफी अच्छा फीलिंग आ रहा है। वाओ लवली मैन लवली। नेक्स्ट लेवल, जेन्युइनली मुझे पता होता ना कि इतना अच्छा लगता है सिगरेट के साथ विस्की, मेरे को पता था, विस्की नहीं सॉरी रम, ब्लैक रम, लेकिन मैंने ट्राई नहीं किया, मेरे को नहीं पता क्यों, क्योंकि सिगरेट मुझे उतना खास कुछ लगता नहीं है, तो जिन लोग को लगता है भाई उन लोग के लिए चीयर्स। और मेरे सब्सक्राइबर भाई तेरे लिए चीयर्स। लेकिन हम इसको आप एक चांस में ख़त्म करेंगे पूरा का पूरा, हाँ मैं थोड़ा पागल हूँ मुझे पता है, लेकिन मैं करूँगा। चीयर्स।
ब्लडी हेल। फक लास्ट पैक बनाएंगे थम्स अप के साथ। तो भाई लास्ट वाला पैक हम लोग बनाएंगे थम्स अप के साथ, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा थम्स अप ट्राई कर लेते हैं यार। आहा, ठंडा ठंडा थम्स अप, इससे अच्छा तो कुछ नहीं यार। टेस्ट द थंडर, ऐसा कुछ कहता था ना ये। 20 रुपए का है वैसे। हाँ 20 रुपए का। अभी थोड़ा झिमझिम लग रहा है, ठीक है, तो कुछ उल्टा सीधा कह दूं तो माफ करना। बनाते हैं द लास्ट फाइनल पैक। यो खत्म। अब तो लगाया भी नहीं जा रहा यार, बगाड़ी ब्लैक खत्म। तो जो फाइनल पैक है वो हम बनाएंगे थम्स अप के साथ। इतना काफी होगा डूड, ये ज्यादा ब्लैक लग रहा है। मुझको इसके साथ ना वो सिगरेट पीना चाहिए था, गलती हो गया। कोई बात नहीं, फिर से बनाएंगे, फिर से कभी बनाएंगे, फिर से लेके आएंगे। तुम लोग सब्सक्राइब कर दो बस। ओह क्या मजा आ रहा है भाई, जो वाइब है ना मैं बता नहीं सकता, इतना अच्छा लग रहा है। लास्ट टाइम मैंने वही गलती हुआ था कि नीट पीना ही नहीं चाहिए। पता है एक पैक ठीक है, नीट पी लिए, लेकिन उसके बाद नीट पीना ही नहीं चाहिए, इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। अब तो काफ़ी मज़ा आ रहा है यार, ठंडा ठंडा थम्स अप पानी के साथ, थोड़ा सा सिगरेट हो गया यार, मज़ा आ रहा है यार। ब्रिंग ऑन द म्यूजिक, लेकिन कुछ रोम जो है ना अच्छा खासा चढ़ हुआ है तुझे। मैं क्लियरली बात भी नहीं कर पा रहा यार। ओ फक मैन, फक मजा भी आ रहा है, और मुझे पता है कल सुबह का हैंगओवर वो भी गंदा होने वाला है। फक ऑफ मैन, bring on the loud music. khatam karte hain ek shot, cheers. wow. dude jo energy aa raha hai na, mujhe lag raha hai ki main yahan se daud ke 100-200 kilometer kahin bhag jaau yaar। क्या मजा आ रहा है, वाह। जो मी हाय हाय। भाई थोड़ा मुंह धो के आया पता है अब, नहीं तो मैं इस वीडियो को ख़त्म भी नहीं कर पाता, इतना नींद आ रहा है और भाई सर घूम रहा है यार यार। मैन चोद फक, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है यार। फक मैन क्या कर रहा हूँ यार, तुम लोग के लिए सिर्फ, पता है पूरा ख़त्म हो चुका है, खाली बाय।